हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के जॉब के बारे में, पीएनबी के रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि आपको यहाँ पे पीएनबी की तरफ से किस पद पे जॉब देखने को मिलेगा, जॉब का यहाँ पे नोटिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल कैसे आपको निकालना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया है, और अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको यहाँ पे पीएनबी मेटलाइफ में पीएनबी में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे फिलअप करना है, ये सब भी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं पीएनबी में न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, पीएनबी बैंक में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। यहाँ पे नो फीस है, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फ्री में कर सकते हैं अप्लाई, कोई चार्जेस नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये 10वीं पास के लिए जॉब है। मिनिमम अगर आप 10वीं क्लास पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रोल के हिसाब से। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे बोथ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म यहाँ पे भरना है ये बताया जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एंड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑल इंडिया के लिए जॉब है, मेल फीमेल यहाँ पे बहुत अप्लाई कर पाएंगे, डायरेक्ट जॉइनिंग होगा। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में दिया जाएगा, बस वीडियो पे बने रहना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पीएनबी का जॉब का डिटेल निकालने के लिए सिंपल सा स्टेप है। अगर आपको यहाँ पे पीएनबी का रिक्रूटमेंट का डिटेल निकालना है, अप्लाई करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा, पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट, आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको पीएनबी का जॉब का डिटेल निकालना है, बैंक का जॉब का डिटेल निकालना है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पीएनबी सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, या फिर इससे इजी तरीका यह है, थोड़ा सा स्क्रोल करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेगा। कैटेगरीज में आपको देखना है बैंक जॉब का लेबल, ये रहा बैंक जॉब का लेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल अपडेट हुआ है देखने को मिलेगा, जैसे कि HDFC का हो गया, IDFC का हो गया और यहाँ पे SBI का हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे PNB का नहीं है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ICICI का है और यहाँ पे HDFC का है, BOB का है, यहाँ पे भी PNB का नहीं है। हम यहाँ पे तीसरे पेज पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रहा पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे आर्टिकल, 10वीं पास के लिए ये जॉब है। हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया है। इस आर्टिकल में आपको पंजाब नेशनल बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा, किस पोस्ट पे जॉब है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, और सबसे जरूरी यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ लो, मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ की तरफ से यह भर्ती होने वाला है। वैकेंसी नेम एडवाइजर के पोस्ट पे, यानी कि यहाँ पे एडवाइजर के पोस्ट पे आपका यहाँ पे भर्ती होने वाला है पंजाब नेशनल बैंक में। बाकी बात कर लें अप्लाई मोड, तो अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी मांगा गया है, एज यहाँ पे 18+ मांगा गया है। देखो यार, कहीं पे काम करो किसी भी सेक्टर में तो एज कम से कम 18 या फिर 18+ मांगा जाता है, तो यहाँ पे भी 18+ मांगा गया है कम से कम। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और सैलरी यहाँ पे गुड मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहाँ पे पीएनबी मेटलाइफ के रूल के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पे मिनिमम 10th क्लास पास मांगा गया है, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे मेटलाइफ में जॉब के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर के पोस्ट पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे अप्लाई फीस लगेगा, तो यहाँ पे अप्लाई फीस कोई भी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो आपको फटाफट अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं कि कैसे जॉब का नोटिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल को आपको अच्छे से रीड करना है। पढ़ने के बाद दोस्तों सिंपल सा काम है, आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, ये आर्टिकल पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा अप्लाई का लिंक, आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है पीएनबी मेटलाइफ का वेबसाइट और ये है अपॉर्चुनिटीज का पेज, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट आता है इस पेज पे अपडेट किया गया है, जो कि यहाँ पे एडवाइजर के पोस्ट पे भर्ती होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे लेबल्स है, जैसे कि एलिजिबिलिटी बताया गया है और वर्क प्रोफाइल बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सेलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स वगैरह होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मांगा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल है, मतलब एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन है, जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो और भी डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं, जैसे कि वर्क प्रोफाइल क्या होगा ये भी बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देखना है, अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके प्रोफाइल देख सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनर्स का बटन है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक अप्लाई का छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना है, आपको रिवर्ट बैक मिलेगा। अब ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी सा टास्क है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम देना है एज पर आधार। तो जैसे कि मेरा नाम डेमो है, मैंने यहाँ पे डेमो कुमार एंटर कर दिया आधार पे। ऐसा बस अप्लाई करने का एक डेमो में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डेमो कुमार एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर हो, फोन नंबर हो, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी OTP होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो आप यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसी मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर वगैरह कर देना है। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा सिलेक्ट सिटी, तो जो भी आपका सिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हर एक सिटी में इसके ब्रांचेस वगैरह है ना, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ये वाराणसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा जीमेल एड्रेस, तो जो आपका जीमेल ईमेल एड्रेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने demo_xyz@gmail.com हमने यहाँ पे एंटर कर दिया डेमो के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे पिन कोड, तो जो आपका यहाँ पे सिटीज़ है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसका आपको यहाँ पे पिन कोड भी एंटर कर देना है, ठीक है। पिन कोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कि आपको एग्री करना है, यानी कि यहाँ पे चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो मिलेगा सबमिट का बटन, जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट के पोस्ट पे, इंश्योरेंस एडवाइजर के पोस्ट पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे PNB MetLife में अप्लाई हो जाएगा, आवेदन हो जाएगा। सो इस प्रकार से अप्लाई करना है। बाकी ये जो अप्लाई का फॉर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से डायरेक्ट आप इस अप्लाई के फॉर्म पे भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अप्लाई करना है दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको यहाँ पे PNB MetLife में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोगों को डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा। अब इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का लेबल्स है, जैसे कि अगर आपको एलिजिबिलिटी देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वर्क प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, मतलब जॉब का डिटेल प्रोफाइल पढ़ सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हैं, आपको अप्लाई करना इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे ज्वाइनर्स का बटन है, ज्वाइन नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ का बटन है, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा अप्लाई का फॉर्म आएगा। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये फॉर्म आप लोग इसीलिए फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाकी आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हेल्प मिलेगा। एंड जाते जाते मैं आपको बता दूं, देखो यार यहाँ पे फ्री में जॉब मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे, बोले हम इस कंपनी से PNB MetLife की तरफ से बोल रहे हैं इतना पैसा दो, ये OTP बताओ, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा, मिलते हैं किसी नए जॉब अपडेट में। धन्यवाद।